दिल सच्चा कर्म अच्छा बाकी जो प्रभु की इच्छा सांसा रेडियो 90.8 FM पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं आज इस सोनम इसी प्रोग्राम में जिसका नाम है डायरेक्ट दिल से और जहाँ बातें भी डायरेक्ट दिल से होती हैं। दोस्तों जिसे आप देखते हैं रोजाना यस टीवी पर। फ्रेंड्स एक बार एक बुजुर्ग इंसान रोज अखबारों की दुकान पर जाता और वहाँ पर जितनी भी अखबारें होती थी उसे उलट पलट करके देखता और एक आध बार खरीद भी लेता। तो एक दिन दुकानदार ने पूछा कि सर आप रोज मेरी दुकान पर आते हैं और जो अखबार है उन्हें उलट पलट कर देखते हैं, क्या बात है, किसी की तस्वीर आनी है क्या? तब वो बुजुर्ग आदमी ने कहा हाँ मेरी तस्वीर आनी है। तब उस दुकानदार ने कहा कि क्या आपने छपवाने के लिए भेजी है? तो वो कहते हैं नहीं नहीं मैंने छपाने के लिए नहीं भेजी, शायद मेरे बच्चों ने भेजी हो गुमशुदा की तलाश में। जी हाँ दोस्तों कहानी से थोड़ा सा शौक लगता है और ये बात सच है कि आज भी बहुत से बुजुर्ग अपने घरों से दूर हैं क्योंकि बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो उनके पास इतने पैसे नहीं होते कि वो अपने बड़ों को रख सके घर पर, यानी कि अपने बड़ों को मजबूर कर देते हैं घर से निकालने में कि घर से निकल जाए वो, और मजबूर कर देते हैं उन्हें काम करने के लिए। हम आपको नहीं खिला सकते, आप अपना कमाएं अपना खाएं। दोस्तों बचपन से लेकर अब तक उन्होंने हमें संभाला सिखाया और खाना खिलाया बड़ा किया और हमें अपने पैरों पर खड़ा किया, लेकिन बड़े होकर क्या हमसे इतना भी नहीं होता कि हम उन्हें एक दो वक्त की रोटी दे सके? इतना घमंड इतना ईगो हमें कभी भी नहीं रखना चाहिए। अपने बड़ों का आदर करना चाहिए, अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए क्योंकि जिसने माता पिता की सेवा की उसने भगवान की सेवा की, जिसने माता पिता को खुश रखा उसने भगवान को खुश रखा। लेकिन आज भी बहुत से लोग ऐसा नहीं करते घर के बाहर भेज देते हैं अपने माँ बाप को कि यहाँ से चले जाइए। क्यों दोस्तों ऐसा क्यों? छोटे होते जब हम लड़ाई किया करते थे अपने भाई बहन से लड़ जाते थे कि नहीं ये मेरी माँ है, वो कहता था नहीं नहीं ये मेरी माँ है, तो बड़े होके तेरी माँ हो गई, ये तेरी माँ है मेरी माँ नहीं है। ये बिल्कुल गलत है दोस्तों, ऐसा कभी नहीं कहना चाहिए। और सबसे अच्छा बच्चा तो वही है जो ये कहे किसी के हिस्से में मकान आया, किसी के हिस्से में दुकान आई, मैं घर में सबसे छोटा था मेरे हिस्से में माँ आई। जी हाँ फ्रेंड्स माँ का दर्जा सबसे ऊंचा है, इसीलिए अगर माँ जन्नत है तो पापा जन्नत का दरवाजा है। कभी भी उनको हर्ट ना करें, अगर वो डांटते भी हैं तो वो हमारी भलाई के लिए ही डांटते हैं, उनकी सेवा कीजिए। जिस दिन आपने उनकी सेवा की तो भगवान आपको मिल जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स वैसे आपके कहना चाहेंगे माता पिता के बारे में, अगर आप भी अपनी कोई राय देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। फिलहाल आरजे सोनम आपसे इजाजत लेती है और यही कहती है अपना ध्यान रखें, खुश रहें, मुस्कुराते रहें और देखते रहें यस टीवी। बाय बाय।